Very, very, very good afternoon, everyone. Insurance claim chapter हमारा चल रहा था. Last class में हमने बहुत सारे question किए insurance claim chapter से, and आज हम लोग insurance claim chapter को complete करके हमारे नए chapter में enter कर जाएंगे. वैसे हम लोग दो part में ही video बनाएंगे. आज first part में हम लोग insurance claim complete कर देंगे और next part में हम लोग नया chapter start करेंगे जो आपके लिए surprise रहेगा. अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन सा chapter मैं start करूंगा, ठीक है ना. हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट करेंगे, जो सम्स बाकी है वो कंप्लीट करके उसका समरी नोट्स बना लेंगे, जो समरी बुक आपको दी गई है. उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. डन. सारे बच्चे आ चुके हैं. सबसे पहला जो दो क्वेश्चन हमारे बाकी है मेन बुक के, हम लोग आज पहले वो दो ही क्वेश्चन करेंगे. सर आपने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 30, उसको डिस्कस करो ना. वो मैं एकदम एंड की तरफ डिस्कस करूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जो कल मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था. तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे. 24 सारे बच्चे फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ. पढ़ू मैं क्वेश्चन नंबर 24? अगर क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आप हेडिंग देख पा रहे हो तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट. कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट, ये जो 24-25 है ना, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ही क्वेश्चन है. बस यहां पे अब ना हम लोगों को लॉस और क्लेम का अमाउंट नहीं निकाल के, हमें एक एंटिटी को, एक बिजनेस एंटिटी को, एक कंपनी को लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना है. उसके लिए वो हमसे पूछने आई है हम लोगों को कितना पॉलिसी अमाउंट लेना चाहिए. तो पॉलिसी अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जितना हमको नुकसान हो सकता है. अगर किसी को नुकसान कैलकुलेट करना आता है, क्लेम कैलकुलेट करना आता है, तो पॉलिसी अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जितना आपको एक्सपेक्टेड नुकसान हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना पॉलिसी ले लो. जिसको हम लोग जीपी ऑन ऑटो बोलते थे, याद है, जीपी ऑन ऑटो. एक्सपेक्टेड आपका कितना प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए. उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24-25. ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट पूछ लेता है. कभी कभी बहुत कम आते हैं, बट आते हैं तो 5 मार्क तक का इंस्टीट्यूट आपको यह क्वेश्चन पूछ लेता है. इसीलिए हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आओ फटाफट. अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. ध्यान से पढ़ना मेरे साथ क्वेश्चन. इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विथ इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. इंडेमनिटी पीरियड कितने मंथ्स का है वो तो प्रीमियम के कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा. पॉलिसी तो मैं जीपी ऑन ऑटो, यानी मेरा जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर, उसके हिसाब से मैं अपनी प्रॉफिट पॉलिसी निकलवाऊंगा, ठीक है. हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट. वो पॉलिसी अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहे कितने का लेना चाहिए. From the following details, suggest the policy amount. Question हम लोगों को बोल रहा है आप policy amount calculate करके दो, ठीक है, करेंगे. Turnover in last year 450, last year का turnover 450. Standing charges in last financial year 90,000, last year fixed expenses 90,000 के हुए. Net profit earned in the last year was 10% of turnover. ध्यान से, ये net profit का 10% of turnover के हिसाब से दिया है. अगर last year का sales है 450, 10% का turnover net profit है, तो net profit का amount मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 450,000 का 10%, 450,000 का 10%, 45,000. यस सर, 45,000 लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट. आपको नेट प्रॉफिट दे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया, सेल्स दे दिया. ध्यान से आगे. एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर. बोल रहा है करंट ईयर में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% ऑफ द टर्नओवर जो है वो नेट प्रॉफिट हम कमा पाएंगे, ठीक है. इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड 25%. इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड, ट्रेंड है, ट्रेंड, ट्रेंड. हम लोगों को लग रहा है इस साल जो सेल्स है वो 25% बढ़ेगा, तो पॉलिसी भी हम लोग उसी हिसाब से लेंगे. ध्यान से. टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 31,250. अगर ये एडिशनल सेल 25% का अचीव करना है तो 31,250 का एडिशनल आपको फिक्स एक्सपेंसेस इनकर करना होगा या एडिशनल खर्चा आपको करना होगा. ध्यान से, हम लोगों को कैलकुलेट करना है पॉलिसी अमाउंट. मेरे बच्चे मेरे को बताना, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जब मैं लॉस कैलकुलेट करता था क्या क्या चीज इंक्लूड होता था. सर दो चीज, एक ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स,
सर हम लोग शॉर्ट सेल्स वहां वर्ड यूज करते थे क्योंकि सर हम लोगों का लॉस हो चुका था, नुकसान हो चुका था, फिर हमको कैलकुलेट करना था कितना नुकसान हुआ। सर जो हमारा जीपीए सेल्स पर वो हमको मिलता था। नंबर टू सर हम लोगों को मिलता था एडिशनल एक्सपेंडिचर। अगर ये कैलकुलेट करके हम निकाल ले कि नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होने वाला है सेल्स पर और नेक्स्ट ईयर कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो उतना पॉलिसी ले लेंगे। अगर फ्यूचर में कभी नुकसान हुआ, फ्यूचर में भी कभी नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको आराम से भुगतान मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा है पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करके दो। पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कोई नया ज्ञान नहीं है, आपने लास्ट क्लास तक कैलकुलेट करना सीखा। अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर नुकसान हो जाए तो किस तरीके से लॉस और क्लेम कैलकुलेट होगा, और हम लोग जीपी और नाटो से कंपेयर करके पॉलिसी वैल्यू को एवरेज क्लॉज वगैरह का कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो हमने लास्ट क्लास इतना सीख लिया था, हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फॉर द ईयर, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है फॉर द ईयर, उतना हमें कवर करवा लेना चाहिए। तो हम लोग वही कैलकुलेट करके एडिशनल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पॉलिसी अमाउंट निकल जाएगा जो हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेना चाहिए। आओ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सारे बच्चे एक क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। सॉरी पेज 50 क्वेश्चन 24 आप क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे, बुक में कॉपी का पेज नंबर लिखेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 कंप्यूटेशन ऑफ जीपी मार्जिन, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी मार्जिन, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी मार्जिन। मेरे को बताना ना जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता था। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आज लास्ट डे है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता था लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में? सर जीपी मार्जिन का फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड वाला। जब हम लोग लॉस कैलकुलेट करते थे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। अब हम लोग सर कैलकुलेट कर रहे हैं पॉलिसी कितना लेना चाहिए। सर प्रूडेंट तो यही है, आपको सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर करवाने चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पहले मेरे को बताओ लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था? सर 45,000, 450 का 10%। इंश्योर्ड चार्जेस कितना था? सर 90,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 4,50,000। वेरी गुड शालिनी, इनटू 100। सर हमारा जीपी रेशियो आ गया 450 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इनटू 100, 30%। 445 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100, 30%। ये 30% ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं करेंट ईयर में। बोला एक्सपेक्टेड है कि सेम प्रॉफिट आप अर्न करोगे नेक्स्ट ईयर में, मतलब ये जो 30% जीपी मार्जिन हमने देखा ये नेक्स्ट ईयर भी हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर टू, पॉलिसी अमाउंट शैल बी टेकन इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट इट कवर्स, दैट इट कवर्स, बोलो क्या क्या। नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर, जिसको आप लोग पता है क्या बोलते थे, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर। नंबर बी, एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर कुछ लगेगा तो वो भी कवर करवा लेना, एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर वो कुछ और लगेगा वो भी कवर करा लेना। ये मैंने तुमको लिखाया है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। बच्चा बोलेगा बाद में, सर आपने पॉलिसी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कुछ ज्ञान नहीं लिखाया, ये मैंने सब में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि तुम समझ सको कि अलग कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे लॉस कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब लॉस से पहले कैलकुलेट कर रहे थे, उस समय लॉस होने के बाद कैलकुलेट कर रहे थे। डन, आ जाओ। तो मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स। मेरा सेल्स के बारे में क्या बोला है? मेरा सेल्स बोला है बढ़ जाएगा इस साल 25% से। तो 4,50,000 प्लस 25% प्लस 25% सेल्स बढ़ जाएगा बोला इस साल।
ये मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स होने वाला है, इसके ऊपर हम कितना कमाएंगे, 30% प्रॉफिट कमाएंगे, 30% प्रॉफिट, इसके ऊपर हम कमाएंगे 30% प्रॉफिट, 168,750, ये हम नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो इसी को हमें इंश्योर करवा लेना चाहिए। और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए पता है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर कुछ लगाना पड़ेगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना लगाना पड़ेगा, 31,250। तो मेरे को टोटल में पॉलिसी अमाउंट कितने का ले लेना चाहिए, टोटल में पॉलिसी अमाउंट कितने का ले लेना चाहिए, 168,750 प्लस 31,250, 2,00,000 का मेरे को पॉलिसी ले लेना चाहिए। ये पॉलिसी लेने से मेरा जीपी ऑन ऑटो प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर जो उस जीपी को कमाने के लिए लगेगा, आग के बाद जो लगेगा वो अलग, ये है जीपी को कमाने के लिए 31,250 लगेगा, तो ये भी मेरे को एडिशनल एक्सपेंडिचर कवर कराना है, तो टोटल मेरे को 2,00,000 रुपए का कवरेज करवा लेना चाहिए। ये निकल गया मेरा पॉलिसी अमाउंट। क्या हमने कुछ अलग किया, कुछ नया किया? नहीं सर, हम लोग अभी तक सीख रहे थे, आग लग गया, डिसलोकेशन हुआ, लॉस और क्लेम निकालो। अब हम लोग सीख रहे हैं, साल शुरू हुआ है, मैं चाहता हूं प्रॉफिट्स को इंश्योर करवा लूं, तो साल से शुरू होने से पहले मैं एस्टीमेट कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकता हूं, उसके हिसाब से पॉलिसी वैल्यू लेता हूं। एक पोस्ट इवेंट है, पोस्ट इवेंट आग लगने के बाद, ये आग लगने के पहले। तो पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट एज यू लर्न इन द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का लॉस एंड क्लेम कैलकुलेशन। बस ये पहले कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में करते हैं। इसमें एक अजम्पशन मैंने लिया, क्या अजम्पशन लिया सुन लो, ये मैं सारे इंश्योर्ड करवा रहा हूं, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इंश्योर्ड, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इंश्योर्ड। मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू बता दे रहा हूं, भाई 2,00,000 तक का ले ले, सब कुछ कवर हो जाएगा अगर एक्सपेक्टेशन सही रहा। तो ये मैं मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं, मैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर करवा रहा हूं, वो अगर कुछ करना चाहता है कुछ नहीं करना चाहता तो वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकता है। डन, क्वेश्चन 24 डन, क्वेश्चन 25 आप खुद ट्राई करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है। सिद्धार्थ पूछ रहा है सर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऐड क्यों होगा, वापस बोल रहा हूं, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर आग लगने के बाद बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं है, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ये जो सेल्स 25% बढ़ेगा उसके लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तो ये खर्चा उस प्रॉफिट में ऐड होगा, क्योंकि ये खर्चा मैं जब काम करूंगा तो सेल्स बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। मैंने जो सेल्स बढ़ी उसके हिसाब से लास्ट ईयर में कितना जीपी होना चाहिए था वो चेक कर लिया, अब मैं देख रहा हूं ये अगर अर्न करना है तो इतने एडिशनल खर्चे और लगेंगे, तो जीपी तो कवर कराया ही कराया, ये खर्चे भी ऐड करवा लो, क्योंकि आप जानते हो जीपी का फॉर्मूला होता है एनपी प्लस आईएससी, अगर स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ेगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी तो, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी तो आपको बढ़ाना है, एनपी प्लस आईएससी, नेट प्रॉफिट भी कवर करूंगा और स्टैंडिंग चार्जेस भी कवर करूंगा, तो ये जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाले हैं इसके बिना मैं वो 25% अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो ये दोनों का टोटल मिला के मेरे को 2,00,000 का पॉलिसी ले लेना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है सर फिर ऐसा करो ना, आप ऐसा करो इसमें चेंज करो, 90 के ऊपर 31,250 ऐड कर दो कि आपका स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 45,000 उसके ऊपर ऐड कर दो आपका स्टैंडिंग चार्जेस जो इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने बोला 30% जो ग्रॉस प्रॉफिट मैं अर्न करता हूं, 10% जो नेट प्रॉफिट मेरा रहता है वही एक्सपेक्टेड है, तो मैंने पहले 30% के हिसाब से काम कर लिया, फिर मैंने बोला ये एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा सो दैट आई कैन इंक्रीज द सेल बाई 25%, तो मेरे को टोटल जो कवर करवाना है मेरे को कवर कराना पड़ेगा 168,750 प्लस 31,250। हर्ष, ये 31,250 जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है ये आग लगने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, वो खर्चा मैं बोल रहा हूं ये 25% एक्स्ट्रा सेल्स को अचीव करने के लिए इतना खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो ये वो चीज है जो हम लोगों को कवर करना है।
आंसर निकल ही गया 279425। लेट मी चेक क्वेश्चन 25। एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है ट्रेडर, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स, मेरे काम का नहीं है जब मैं पॉलिसी वैल्यू निकालूं, पॉलिसी अमाउंट निकालना है। लास्ट ईयर का टर्नओवर दे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया, नेट प्रॉफिट 10%, मतलब 67,500 का मेरा नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। सेम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर में, इंक्रीज इन टर्नओवर 42,500 और इसके लिए हमें यह खर्चा करना पड़ेगा, इंक्रीज इन टर्नओवर 30% और उसके लिए हमें 42,500 एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। पहले लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन, लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करता हूं। नेट प्रॉफिट 67,500 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 27%, 27%। डन है बात, आगे चलते हैं। हम लोगों का एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्टेड सेल्स 675 प्लस 30% 877,500। तो मेरा एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 877,500 इंटू 30%, 877,500 इनटू 30% 263,250 प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर जो लगेगा इसको अचीव करने के लिए 42,500, सॉरी ये 27% है, ये 27% है, माय मिस्टेक, 877,500 इनटू 27% 236,925 प्लस 42,500 279,425 ये निकल गया पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट दो चीज को कवर करेगा, एक कवर करेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स, जो आप नेक्स्ट ईयर सेल्स एक्सपेक्ट करते हो उसके ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाओगे, प्लस एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू मेंटेन दिस सेल। तो मैंने दोनों को एड कर दिया, मेरा पॉलिसी वैल्यू आ गया 279,425। 5 मार्क तक के लिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, अगर आ जाए तो 5 out of 5 आप स्कोर कर सकते हो। जब भी मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लूंगा मैं दो चीज को कवर करूंगा, एक मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है ड्यूरिंग द ईयर जिसको जीपी ऑन ऑटो बोलता हूं, प्लस कोई भी खर्चा अगर एक्स्ट्रा लगेगा इस सेल को अचीव करने के लिए, दोनों को ऐड करूंगा, मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट निकल जाएगा जो मेरे को फ्यूचर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए, लेना चाहिए। डन है बात। क्वेश्चन 24-25 कंप्लीट। मेरे हिसाब से इस बुक के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, इस बुक के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, इस बुक के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है, डन। एक बार मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक में आता हूं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी हमने 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, ये 10 ना आप क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस इसलिए करवा रहा हूं सेम एज क्वेश्चन 24 ऑफ मेन मैट। एक बार आप चेक करो ना, क्या हमने ये क्वेश्चन अभी कर लिया थोड़ी देर पहले, सेम एज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ मेन मैट। दीप, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कवर नहीं करते हम लोग, वो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में
क्लेम दे देता है ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी आपको कि इस एसेट को बचाने के लिए अगर कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस लगा तो वो कवर कर लेना। फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कवर नहीं करते हैं। क्वेश्चन 10 इज सेम, तो मैंने लिखवा दिया, क्रॉस करवा दिया, करने का जरूरत नहीं है, आप भी ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप पढ़ेंगे मेरे साथ और ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ेंगे मेरे साथ और मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये भी पॉलिसी वैल्यू को कंप्यूट करने का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे, रीड करूं मैं फटाफट, पढ़ते हैं। मेजर्स प्लैटिनम ज्वेलर्स वॉन्ट्स टू टेक अप अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 2015, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना चाहती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहती है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st December इज प्रोवाइडेड बिलो, 2014 का पीएल का एक्सट्रैक्ट दे दिया, एक्सट्रैक्ट दे दिया। वेरिएबल एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएबल, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा यह खर्चा भी बढ़ेगा, अगर माल बेचना है तो माल खरीदना भी पड़ेगा, जितना बेचोगे उतना खरीदना पड़ेगा, वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपको वेजेस, सैलरी, ऑडिट फी, रेंट, बैंक चार्जेस दे दिया और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल दिया, फिक्स्ड। इनकम साइड में दो आइटम दिया है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम। मेरे भाई इनकम साइड में एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं निकलता, नेट प्रॉफिट तो इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस साइड में बचता है, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है टेक्निकल लैक्यूना कर दिया। इनकम साइड में नेट प्रॉफिट नहीं निकलता, नेट प्रॉफिट तो फाइनल फिगर होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। हाँ, इंटरेस्ट इनकम इनकम साइड पे दिखता है, ये मैं मान गया, ठीक है। टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर टर्नओवर 25% बढ़ेगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं दिया हुआ है, अगर लास्ट ईयर का तुम पीएल देखो सही से, वो सेल्स दिया नहीं है हम लोगों को, एक्सपेंस दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, इनडायरेक्ट इनकम दे दिया, वेरिएबल दे दिया, सेल्स नहीं दिया है वो हम लोगों को। बोल रहा है नेक्स्ट ईयर टर्नओवर 25% से बढ़ेगा, ध्यान रखना है। टू मीट ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, अगर टर्नओवर बढ़ाना है तो वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, पैसा चाहिएगा हम लोगों को, ताकि हम लोग माल खरीद के और बेच सके, बिजनेस में एक्सपेंसेस कर सके जो हमको प्रोडक्शन वगैरह के लिए चाहिए। Partners have decided to avail overdraft facilities from their bankers at 12% interest. Okay, हम लोगों को कुछ additional loan की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने decide किया है हम लोग 12% के दर पे loan ले लेंगे, OD facility ले लेंगे। Average daily overdraft balance हम लोग का 2 लाख रुपया रहेगा, मतलब on an average daily basis पे 2 लाख रुपया overdraft रहेगा। 2 लाख रुपया overdraft का मतलब ये नहीं है हर दिन 2 लाख रुपया का नया OD, OD का balance अगर 2 लाख खर्चा किया तो वो पूरे साल भर 2 लाख रहेगा, मतलब हमको बैंक से 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। कितने रुपए का लोन चाहिए? 2 लाख रुपए का मेरे को लोन चाहिए। 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ये एडिशनल खर्चा होगा अगर मेरे को अपने बिजनेस में 25% सेल्स इंक्रीज करना है। The wages of skilled craftsmen will increase by 20%. Wages of skilled craftsmen भी बढ़ेगा 20% से। Salaries by 10% in the current year. Salaries भी बढ़ेगा 10% से। All other expenses will remain the same. बात बाकी दूसरे खर्चे सेम रहेंगे। ये जो आपको दे दिया ना डिटेल, ये डिटेल किसके लिए दे दिया बताओ? Additional expenditure जो हम लोगों को करना होगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हम लोगों को करना होगा टू अचीव द एडिशनल सेल्स। आगे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन अप फॉर द करेंट ईयर बाय मेजर्स प्लैटिनम ज्वेलर्स, बोल रहा है कितने वैल्यू का पॉलिसी ले हम लोग। पहला हम लोग को लेना पड़ेगा जो जीपी ऑन हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है उसका, दूसरा हम लोगों को किसका लेना पड़ेगा सही से बताना, दूसरा हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जो एडिशनल खर्चा लगेगा उस सेल्स को अचीव करने के लिए, जो हम जीपी कमाएंगे उसको भी हम लोग कवर कराएंगे, मतलब नए आउटस्टैंडिंग चार्जेस भी कवर होंगे और पुराने वाले जो है वो तो कवर रहेंगे ही। डन है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन 11, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। पहले मेरे को बच्चे लास्ट ईयर का सेल्स नहीं दिया हुआ कुछ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि इस साल सेल्स कितना होगा? आप वर्किंग नोट करके, वर्किंग नोट करके अगर लास्ट ईयर का पीएल अकाउंट मेरे को बना दो फॉर 2014, क्या निकालने के लिए? सेल्स निकालने के लिए, तो मेरा काम हो जाएगा। आप मेरे को सेल्स कैलकुलेट करके दो ना पीएल अकाउंट बना के,
हमें क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, हमें तो कुछ वेरिएबल खर्चे दिए, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया गया, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया गया, एक इंटरेस्ट इनकम दिया गया और नेट प्रॉफिट दिया गया। अगर हम चाहे तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ क्या, सेल्स। कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। मैं चाहता हूं सारे बच्चे मेरे को हेल्प करें और पहले लास्ट ईयर का सेल्स हम लोग डिटरमाइन कर लें, ताकि करेंट ईयर का सेल्स क्या होने वाला है वो हम कैलकुलेट कर सके। शालिनी ने आंसर बताया सर 30,50,000। एक बार सारे बच्चे चेक करो, 30,50,000 लास्ट ईयर का सेल्स आ रहा है क्या? वेरी गुड शालिनी, सारे बच्चे चेक करें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 18,60,000। सिद्धार्थ का कुछ और आ रहा है, ठीक है चेक कर लेता हूं। नेट प्रॉफिट 672, इंटरेस्ट इनकम 44। सिद्धार्थ शायद इंटरेस्ट इनकम कंसीडर नहीं किया। फिक्स्ड में क्या क्या है? वेजेस 160, सैलरीज 280, नेक्स्ट ऑडिट रेंट बैंक चार्जेस, ऑडिट रेंट बैंक चार्जेस 30,50,000। सिद्धार्थ एक बार चेक कर लेना तेरा क्या गलती हुआ, तुम शायद इनडायरेक्ट इनकम नहीं लिखा। पीएल बनाते समय तो इनकम लिखना पड़ेगा, तुम ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में जब करो तब नेट प्रॉफिट आईएससी उसमें इनडायरेक्ट मत लेना, इनडायरेक्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम वो लोग कवर नहीं करेंगे, वो तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो बिजनेस करके प्रॉफिट आता उसका नुकसान हुआ वो कवर करेंगे आपका वो। तो 672 प्लस 18 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 280 प्लस 160 प्लस 1860 माइनस 44, 30,50,000। ये क्वेश्चन ने मेरे को इस बार दिया नहीं था तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा। वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू, जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्लीज नेट प्रॉफिट में जो आपके ऑपरेशन से आया हुआ प्रॉफिट है, ऑपरेशंस वही लेना, जो ऑपरेशन से आया हुआ प्रॉफिट है वो लेना। अगर कोई ऐसी इनकम है जो रेगुलर ऑपरेशन का काम नहीं है, जो आग लगने के बाद इफेक्ट भी नहीं होगी डिसलोकेशन में, डिसलोकेशन जब होगा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है माल नहीं बिकेगा, बट जो इंटरेस्ट इनकम वाला इनकम है वो तो हम लोग ऐसे भी कमा सकते हैं, डिसरप्ट हुआ तो भी कमा सकते हैं, बैंक में पैसा पड़ा रहेगा। डन, ध्यान से 1190 शालिनी, वेरी 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 गुड, वेरी गुड शालिनी। तो ये मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं 672 माइनस 44, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ऐसा इनकम है जो डिसलोकेशन पे जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनकम मैं हटा रहा हूं, ये मेरे जीपी मार्जिन का पार्ट नहीं है। स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है कोई बताओ टोटल, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कोई बताओ टोटल। सर 562 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 672 माइनस 44 प्लस 562 11,90,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 39.0164%,
39.0164%। सर सर सर, अगर हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दें, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग में नॉर्मली आते हैं, तो भी सर एक जीपी निकल जाएगा और ये जीपी भी सर 11,90,000 आएगा। सर क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि हम सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंश्योर करवा रहे हैं। वहां जीपी पे मैंने तुमको नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी करना क्यों सिखाया था? क्योंकि मैं बोलता था कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपने इंश्योर ना करवाए हो। यहां तो हम लोग बात कर रहे हैं सारे इंश्योर करवाएंगे, तो तुम अगर सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस करके भी जीपी निकालते हो तो काम चलेगा, तुमको फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते तो भी जीपी निकल जाता, आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस एनपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करवाएंगे। क्योंकि हम तो पॉलिसी अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो हम सारे एक्सपेंस कवर करा के देखेंगे मैक्सिमम कितना पॉलिसी लेना चाहिए। वेरी गुड शालिनी, इसीलिए मैंने आपको वेरी गुड पहले ही बोल दिया था। दो चीज का ये लॉजिक समझ में आया क्या सबको? ये लॉजिक 44 क्यों हटाया मैंने? ये वो इनकम है जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। आपका बिजनेस डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो इसमें कोई फर्क नॉर्मली नहीं पड़ना है, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है। डन। अब आ जाओ, हम लोग पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। पॉलिसी अमाउंट जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2015। मेरा सेल्स बढ़ने वाला है, कितना परसेंट से बढ़ाओ तो बताओ तो? सेल्स सर आपका 25% से ग्रो करेगा। ओके दिव्या, मैं बताता हूं मैंने वो वेरिएबल एक्सपेंस का बात क्या बोला। 14,87,500 मेरा सेल्स नेक्स्ट ईयर 25% से ग्रो करेगा और उस पर मैं 39.0164 कमाऊंगा, तो मेरा 14,87,500 एक्सपेक्टेड जीपी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। दिस इज नथिंग बट जीपी ऑन ऑटो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। दिव्या दिव्या सुने, हम लोग अभी तक जीपी कैलकुलेट कर रहे थे नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड वाले। जब हम लोग लॉस कैलकुलेट कर रहे थे अगर कुछ स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड थे, अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पॉलिसी कितना लेना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं एक बार सारा स्टैंडिंग चार्जेस अगर इंश्योर करवाएं, सारा स्टैंडिंग चार्जेस अगर इंश्योर कराएं तो पॉलिसी कितना लेना होगा। अगर स्टैंडिंग चार्जेस सारे इंश्योर्ड है, तो मेरा नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स्ड वाला सारा आ गया। ये तो इक्वल टू जीपी होना ही है, यानी यहां जो मेरा जीपी निकला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्लीज फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अलग रखिए, वो मुझे कवर करने हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, ये मेरा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट 11,90,000। अब जो आप नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस करके भी निकालोगे ना, वो भी 11,90 आएगा, क्योंकि आप सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर कराना चाहते हो। मैं जब लॉस के और क्लेम कैलकुलेट कराता था तब मैं बोलता था सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लो, बट अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हो तो इनिशियली आपको देखना चाहिए कि अगर मैं सारा स्टैंडिंग चार्जेस कवर करा लूं, मैक्सिमम रिस्क कवर करा लूं, तो कितने का पॉलिसी वैल्यू लेना चाहिए मुझे, क्योंकि सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर्ड है। अब जो जीपी निकलेगा वो हमेशा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो नॉर्मली वेरिएबल नेचर का होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके जीपी आएगा, और नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस करके जो जीपी आएगा वो नॉर्मली सेम दिखाई देगा आपको, क्योंकि हमारे पीएल में कोई अलग से वेरिएबल एक्सपेंस भी नहीं है, कोई इनडायरेक्ट वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये आपको हमेशा सेम दिखाई देगा। अब ये हो गया कवर, इसको कमाने के लिए कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करने होंगे, उनको भी कवर कराएंगे।
एडिशनल एक्सपेंडिचर, बता क्या क्या करेंगे। पहला तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 2 लाख का ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा मेरा ड्यूरिंग द ईयर ऑन एन एवरेज, 24,000 का उस पर ब्याज। दूसरा इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस इंक्रीज करेगा बाई 20%, बोला था क्या बाई 20%, 160 पे 20% इंक्रीज करेगा, 160 पे 20% 32,000। इंक्रीज इन सैलरी 10% इंक्रीज करेगा सैलरी, 280 पर 10% 28,000। ऐड कर दो पॉलिसी अमाउंट निकल जाएगा, ऐड कर दो पॉलिसी अमाउंट निकल जाएगा 15,71,500, 15,71,500। वापस अगर मुझे पॉलिसी लेने जानी है लॉस ऑफ प्रॉफिट की और मुझे डिसाइड करना है कितने की पॉलिसी लूं, तो मैंने बोला जैसे लॉस कंप्यूट करते समय तुम जीपी ऑन ऑटो निकालते थे, वो जीपी ऑन ऑटो को चेक करो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होने वाला है। मैंने नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड सेल्स निकाली, जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल गया। इसको कमाने के लिए कुछ एडिशनल खर्चे करने होंगे, तो मेरे को ये एडिशनल खर्चे भी कवर कराने होंगे, क्योंकि ये एडिशनल खर्चे लगते रहेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फायर, तो ये खर्चे भी मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान चाहिए। मैंने एडिशनल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया, मेरा टोटल पॉलिसी अमाउंट आ गया। मल्लिका मल्लिका मल्लिका, हमने स्टैंडिंग चार्जेस जो लास्ट ईयर का था वो ऑलरेडी यहां पर कवर कर लिया, जो जीपी मार्जिन है उसके अंदर ऑलरेडी पुराने वाले खर्चे कवर्ड है, तो यहां पर सिर्फ मैं एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, पूरा अमाउंट वापस नहीं लूंगा। इस 39% के अंदर तो वो पहले वाले तो ऑलरेडी कवर हो गए, अब मेरे को सिर्फ नया वाला और एक्स्ट्रा लेना है, पूरा वाला एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है क्या मल्लिका, एक बार बताइए क्लियर है क्या। ये 3 क्वेश्चन जो हमने किए ये भी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के ही क्वेश्चन है, बस ये उल्टे हैं। यहां पर हम लोग लॉस कैलकुलेट नहीं करके कैलकुलेट ये कर रहे हैं कितने का पॉलिसी लेना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम का रीजन बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्ट इनकम का जो रीजन है वो ये है कि हम लोगों को ये बिजनेस को जो एक्स्ट्रा 25% जो एक्स्ट्रा सेल्स अचीव करना है उसके लिए हम लोगों को एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए जो हम लोग लोन के रूप में ले रहे हैं। लोन का ये जो खर्चा है ये तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम कवर कराएंगे, क्योंकि जिस दिन आग लगेगा डिसलोकेशन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रुकेगा नहीं, वो लगते रहेगा। हम चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी हमको उनके लिए भी कवरेज दे। झिलमिल वापस, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर फायर के कारण नहीं है, बट आप सोच के देखो, ये जो आप जीपी कैलकुलेट कर रहे हो, यहां जो आप जीपी कैलकुलेट कर रहे हो, यहां पे आपने सिर्फ उतना ही स्टैंडिंग चार्जेस कवर किया जो अभी तक लग रहा था, जो स्टैंडिंग चार्जेस आगे लगेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस। आग लगने के बाद जब 3 महीने डिसलोकेशन होगा, 6 महीने डिसलोकेशन होगा, क्या ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके रुकेंगे? नहीं सर, ये तो हमें देने पड़ेंगे। अगर ये आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा इनका, दो आपका बिजनेस गलत खराब स्थिति में चल रहा है, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हो जो पुराने खर्चे हैं वो तो कवर कराएंगे ही, साथ साथ ये एडिशनल एक्सपेंडिचर भी हमको कवर कराना है, ताकि अगर आग लगे तो हमको ये खर्चे देने पड़ेंगे और हम आपसे इनका भुगतान ले लेंगे। ये एडिशनल एक्सपेंडिचर फायर के बाद होने वाले खर्चे नहीं है, ये वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग चार्जेस है जो अभी तक नहीं लगते थे बट अब लगेंगे। अगर ये स्टैंडिंग चार्जेस लगेंगे तो डिसलोकेशन होने के बावजूद भी ये खर्चे आपको पॉकेट से देने पड़ेंगे, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हो मेरे को इनको भी इंश्योर करवाना है, ताकि फ्यूचर में जब डिसलोकेशन हो, मेरे को ये खर्चा पेमेंट करना हो, हम आपसे इनका भुगतान ले सके।
क्लियर 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 डन। मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए, 30 क्वेश्चन मेरी बुक के और 10 क्वेश्चन यहां, टोटल 40 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार दो मिनट में मेरे साथ डिस्कस कर लो, उसके बाद आप कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर क्वेश्चन वाइज। हम लोग समरी लिखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा बात जो मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने शायद इग्नोर कर दिया हो, द फर्स्ट लाइन, रामदा एंड सन्स हैड टेकन आउट पॉलिसीज, विदाउट एवरेज क्लॉज। पॉलिसी में ही एवरेज क्लॉज नहीं है, अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो हम लोग क्लेम कैलकुलेट करते समय एवरेज क्लॉज चेक भी नहीं करेंगे। जब पॉलिसी के अंदर ही क्लॉज नहीं है तो हमें चेक और अप्लाई करने का कोई हक नहीं मिलेगा। तो यहां पर एवरेज क्लॉज मत लगाना, अगर आपका स्टॉक वैल्यू ज्यादा भी हो, प्रॉफिट ज्यादा भी हो, तो भी आप एवरेज क्लॉज नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है ही नहीं। आगे, बोथ अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट दे दिया, वेरी गुड, अमाउंट दे दिया 2,10,000 एंड 3,20,000 रेस्पेक्टिवली। अ फायर ऑकर्ड ऑन 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011 को आग लगी और सेल्स इफेक्टेड था 3 मंथ्स के लिए, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना बिजनेस खराब चला, ठीक है। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट आपको बना के दे दिया, आगे चलता हूं। सेल्स परचेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 1/4/11 to 36/11, ये डिसलोकेशन पीरियड का आपको, डिसलोकेशन नहीं सॉरी, आग तो जुलाई में लगी ना, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने के लिए आपको डिटेल दे दिया, ठीक है। अदर सेल्स फिगर 1/4 to 30/6/2010, 30/6/2010 लास्ट ईयर का सेल्स दिया, 1/7/2010 से लेके 30/9/2010 ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, डिसलोकेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग, स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर ये दे दिया तुमको, एक्चुअल टर्नओवर डिसलोकेशन पीरियड का। ड्यू टू डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज हो गया, जीपी वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5% ऑन सेल, जीपी बढ़ने वाला है 5% से इस साल, ठीक है। 198 were additionally incurred during the date after fire, ये additional expenditure, amount of policy included 156 for expenses, insured, leaving 420 uncovered, uninsured। बोल रहा है कंप्यूट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल एक्सपेंस, आपको तीनों चीज का क्लेम पूछ रहा है, एक्चुअली लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक का पूछ रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पे दो चीज का होगा, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स और एडिशनल एक्सपेंडिचर, डन। पहले मैं लास्ट ईयर का जीपी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में आ रहा हूं, सुनना ध्यान से, लास्ट ईयर का जीपी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, जीपी मार्जिन मेरे को दो, अगर जीपी मार्जिन कैलकुलेट करूं, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, ये आ गया 25%, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इनटू 100, 25%, इस साल 5% और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30%, डन। अब मैं बना लेता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मेरे को फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ फायर का इंफॉर्मेशन चाहिए, जो दिया हुआ है सब कुछ, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, क्लोजिंग स्टॉक 185, सेल्स 336, परचेज 214, वेजेस 51,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12,000, इसका 30% जीपी निकल जाएगा, ये आ गया 1,08,000। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक 185 + 2,14 + 51 + 12 + 1,08,000 - 336, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 226,800, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 226,800। मैंने कुछ गलती की है क्या, आप लोगों का आंसर ऐसा अलग क्यों आ रहा है, 226,800, डन है बात। कोई सैलवेज दिया है, सैलवेज नहीं दिया है, नो सैलवेज, लॉस इक्वल टू 226,800 क्लेम, नो एवरेज क्लॉज,
तो क्लेम क्या होता है बोल तो, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉस है 226,800, पॉलिसी वैल्यू 210, तो क्लेम हो जाएगा 210. वेरी गुड, क्लेम हो जाएगा 210. मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने सही किया होगा. ओके सही था 226,800. ओके ठीक है, 226,800 मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो नुकसान हुआ, और 2,10,000 पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, 2,10,000. डन. आ जाओ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, मेरे को पहले शॉर्ट सेल्स चाहिए. स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है, स्टैंडर्ड टर्नओवर लास्ट ईयर 1/7/2010 से 30/9/2010 3,20,000. ट्रेंड कहीं दिया है क्या? ट्रेंड 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 सर, ट्रेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में. सर क्वेश्चन में बोला 1/4/10 से लेकर 36/10, मैं यहां दिखाता हूं, 1/4/10 से लेकर 36/10 का सेल्स है 3,00,000 लास्ट ईयर पहला 3 महीना, और इस साल का पहला 3 महीने का सेल है 36,000. मतलब सर सेल्स बढ़ रहा है इस साल. कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, ध्यान से सुनना, सेल्स बढ़ा 36,000 से ऑन अ बेस सेल ऑफ 3,00,000. ऑन अ बेस सेल ऑफ 3,00,000 ट्रेंड आ गया 12%. ट्रेंड आ गया 12%. मेरे को लास्ट ईयर का पहले 3 महीने का सेल्स दे दिया 3,00,000. इस साल उसी 3 महीने का सेल्स दिया है, इस साल उसी 3 महीने का सेल्स दिया है 3,36,000. तो सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 36,000 एज कंपेयर टू 3,00,000 ऑफ द लास्ट ईयर. तो मेरा सेल्स 12% से इंक्रीज हुआ है. एड 12% ट्रेंड, एड 12% ट्रेंड, 38,400, 358,400 माइनस एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर 48, तो शॉर्ट सेल्स हो गया 3,10,400. शॉर्ट सेल्स हो गया 3,10,400. ट्रेंड 12% निकाला, वेरी 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 गुड. लास्ट क्वेश्चन में हमने 20% डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा था, इस क्वेश्चन में 12% अपवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं. जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट 60,000 प्लस इंश्योर्ड चार्जेस 156 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल्स 12,00,000 इनटू 100, ये लास्ट ईयर का जीपी निकल जाएगा. लास्ट ईयर 60 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 12,00,000 डिवाइडेड बाय 12,00,000 इनटू 100, 18% प्लस 5% का इंक्रीज 23%. 18% आया प्लस 5% का इंक्रीज 23%. देयरफॉर जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स 3,10,400 का 23%, 3,10,400 का 23%. आई थिंक सबने यहां तक सही किया होगा. मल्लिका का ट्रेंड शायद 20% आ गया गलती से, मल्लिका वापस चेक कर ले आप. 3 से 336 हो गया, 3 से 336 मतलब 36,000 का इंक्रीज है, वो 12% होगा. मेरे को लगता है आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करके डायरेक्ट किया, इसीलिए गलती से 20 आ गया, 71,392. अब एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल खर्चा हुआ 198, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, अलग से एडिशनल सेल्स बताया नहीं है, तो मैं अज्यूम करूंगा सारा सेल्स जो हुआ वो एडिशनल सेल्स है, नहीं तो कुछ सेल नहीं हो पाता. 48,000 इंटू 23%, 48 इंटू 23% 11,040. बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब यही होने वाला है लोएस्ट ऑफ द थ्री. ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर, जीपी ऑन ऑटो, सॉरी एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो नहीं पता, प्लस डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस यूआईएससी 42,000 अनइंश्योर्ड चार्जेस. अब जीपी ऑन ऑटो निकालना है मेरे को, पहले मेरे को बताओ एनुअल टर्नओवर क्या होगा. एनुअल टर्नओवर आग लगने से 12 महीना पहले, कैसे निकालू, ध्यान से सुनना मेरा बात. पीरियड कौन सा होगा ये,
फर्स्ट जुलाई 2010 से लेके फर्स्ट जुलाई 2011, ठीक है, मेरे को लास्ट ईयर का टोटल सेल्स दिया है 12 लाख टोटल सेल्स, और उसमें पहला 3 महीने का अप्रैल टू जून का दे दिया 3 लाख, तो मैं बोलूं सेल्स फ्रॉम फर्स्ट जुलाई से लेके 31 मार्च 2011, लास्ट 9 महीने का सेल्स 12 लाख माइनस 3 लाख 9 लाख्स, प्लस 12% ट्रेंड इसके ऊपर, 12 नवा 108 1,08,000 10,08,000, और इस साल का पहला 3 मंथ्स का सेल फर्स्ट 4/11 से लेकर 36/11 पहला 3 महीने का सेल 336, तो 10,08,000 प्लस 336 ये आ गया 1,344। अगर तुम लोग 12 लाख के ऊपर 12% ऐड करता ना, 12 के ऊपर 12%, ये 1,344 ही आता, चेक कर लो तुम 12 लाख के ऊपर 12% करते तो 1,344 ही आता, क्योंकि ऑटो मतलब एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर दी करेंट ईयर, ये 12 लाख 12% से बढ़ने वाला था तो 1,344 ही होना था, बट हम लोग हमेशा ऐसे करेंगे, आप दिमाग मत लगाइएगा, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, आप अपने लॉजिक को कनेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन यही रखना। तो ये हो गया 1,334 × 23%, कितना होता है 23%, 3,09,120, 3,09,120 198 × 3,09,120 डिवाइडेड बाई 3,51,120 174,316 तो लोवेस्ट ऑफ दी थ्री ये हो गया 11,040, पहले ही बोला था वही होगा, बहुत छोटा था वही होना था, तो मेरा लॉस क्या हो गया बोलो, स्टेप 171,392, स्टेप 2 11,040, 82,432। मेरे को लगाना तो है नहीं एवरेज क्लॉज, तो यही क्लेम हो गया, एवरेज क्लॉज तो चेक करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया था विदाउट एवरेज क्लॉज, तो मेरा यही क्लेम हो गया। पॉलिसी वैल्यू मत देखो, वो इससे बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि पॉलिसी पूरे साल भर का लेते हैं, इंडेमनिटी सिर्फ 3 महीने का है, तो वो बहुत ज्यादा होगा। होमवर्क दिया था इसीलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, होमवर्क क्वेश्चन मैं डिस्कस हमेशा करूंगा क्योंकि होमवर्क डिस्कस करना जरूरी होता है, कुछ बच्चों को जो डाउट्स होते हैं वो होमवर्क डिस्कस करने से क्लियर हो जाते हैं, तो ये मेरा आदत रहेगा, चाहे मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही लूँ ना क्यों, मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो बहुत ही चिंदी टाइप का होगा उसका बात अलग है, अदरवाइज मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है क्या, एक बार पूरा आंसर देखना है, आप देख सकते हो, दो अनऑर्गेनाइज्ड आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है और नीचे वाला लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है। शॉर्ट सेल्स जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, एडिशनल एक्सपेंडिचर लोअर ऑफ दी थ्री, ऑटो निकाल के हमने काम किया और फिर लॉस निकाला, क्लेम निकाला। 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, 40 questions। अभी भी किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ डाउट बचा है? अब देखो डाउट का सीमा नहीं होता है, हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो हम लोग उसके पीछे 500 चीज 1000 चीज सोच सकते हैं। 8 क्लास जो मैंने आपके साथ दिया, इसमें जो आपको पूछना था आपने सारा पूछ लिया, अब कोई एडिशनल चीज आए मेरे से पूछो, बट बेकार का अब अपने कॉन्सेप्ट को चेंज मत करना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एक स्टैटिक दिमाग बैठ गया है, इसी को कैसे रिफाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके, वो आपको करना है। और मेरे बच्चे विल बी स्टार्टिंग रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स नाउ, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने, अब रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स आपका स्टार्ट होगा।
चाहे आपने नवीन क्लासेस में अकाउंट्स लिया हो, चाहे कॉस, चाहे एफएम, चाहे सब कुछ, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, एक ही कोर्स में होगा। एक दिन अकाउंट्स का आएगा, कॉस्ट का, नेक्स्ट डे कॉस्ट का आएगा, फिर एफएम का आएगा, फिर अकाउंट्स का आएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है, ऐप में आंसर फीड करना है, ऐप अपने आप कैलकुलेट करके आपको बता देगा आपने क्या गलती किया, क्या सही किया। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स और आगे बढ़ेंगे, नए नए क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम अभी चल रहा है तो इस वीक इंश्योरेंस क्लेम आएगा, जैसे ही चैप्टर टू खत्म हो जाएगा कुछ इंश्योरेंस क्लेम, कुछ नया चैप्टर, ऐसे करके क्वेश्चन रिवॉल्व करके आते रहेंगे। इसका सबसे अच्छा फायदा यह होता है जो चैप्टर हो चुका है उसका एक एक क्वेश्चन भी बनाने से वो रिवाइज होते रहता है और आप कभी भी चैप्टर भूलते नहीं हो। तो विल बी स्टार्टिंग अवर रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स फॉर यू ऑल। गियर अप करो, जो पढ़ाई हो चुका है उसको अप टू डेट ले आओ ताकि आप हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस दिन आए उसी दिन वो क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तो मजा आएगा, तब तो चैलेंजिंग लगेगा। अदरवाइज आज आया है 7 दिन बाद सॉल्व कर रहे हो, मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं होगा। अरे बाबा रे, श्वेतम दादा एक खाने आशो। श्वेतम बोल रहा है सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कैसे वो जीपी आ गया, तेरे को पहले 1190 दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, 1190 दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। हाँ शालिनी सॉरी 35 क्वेश्चन बिकॉज 1 2 3 4 5 सिंगल एंट्री का, सॉरी एडिशनल क्वेश्चन में 5 ही थे, ठीक है। राजन राजन राजन, जब वो मना कर दिया विदाउट एवरेज क्लॉज, तो आप एवरेज क्लॉज अब चेक भी नहीं करोगे, आप चेक भी नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते। अगर वो साइलेंट रहता तो हम चेक करते, अगर वो बोल चुका है तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है। अब सुनना श्वेतम, मैं बोल रहा हूं हम लोग कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, और इसको हटा दिया मैंने इंटरेस्ट को। क्यों हटा दिया, क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऐसी इनकम है जो डिसलोकेशन होने से जिस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इसका क्लेम नहीं देगा, ठीक है। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ था इसीलिए माइनस किया, नॉर्मली ये रहता नहीं है। अगर मेरे को दिस प्लस दिस निकालना है तो मैं क्या दिस माइनस दिस करने से क्या वो फिगर मैं नहीं निकाल पाऊंगा सेम चीज। अगर मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है रे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जीपी होता है, और जीपी का दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इस क्वेश्चन में कवर करा रहे हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर करवा रहे हैं, तो अब आप चाहे नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस लो या फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो, दोनों में ही जीपी का फॉर्मूला आपका सेम आएगा। अब जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ये वेजेस दिख रहा हो, सर ये वेजेस नहीं जाएगा उसमें। मेरे बच्चे, यहां पर हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल को इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड को हमको कवर करवाना है, वेरिएबल अगर आगे सेल नहीं होगा तो वेरिएबल भी अलग से लगेगा नहीं, मेरे को फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर कराना है इसीलिए मैंने फिक्स्ड को वेरिएबल से अलग रखा। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं सेल्स माइनस, हम लोग क्या सीख रहे थे वहां पे, मैंने बोला जीपी बाई सेल्स इंटू 100 एक फॉर्मूला होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 आप वो यूज कर सकते हो अगर आपका सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंश्योर करवाया हुआ है। बट हमने अभी तक जब भी लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन किया वहां कुछ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रहता था, मतलब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने इंश्योर नहीं करवाए, इसीलिए मैं बोलता था जीपी बाई सेल्स मत कर, नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी कर। बट जब मैं बोल रहा हूं मैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंश्योर करवा रहा हूं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तब चाहे मैं जीपी बाई सेल्स करूं चाहे नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस बाई सेल्स करूं, दोनों ही बात सेम होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। मैंने यहां लिखा वही है जो तुमको सिखाया, क्योंकि मेरे को पता था जैसे ही मैं वो करूंगा आप मेरे से क्वेश्चन क्रिएट करोगे कि सर जीपी तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां लिखा वही। बट मैंने आपको यह सोचने के लिए कहा जब सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंश्योर्ड हो, अब फर्क नहीं पड़ता जीपी बाई सेल्स करो या नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस बाई सेल्स करो, दोनों में आंसर सेम आएगा।
ठीक है, सिद्धार्थ मेरे से एक चीज पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का। सिद्धार्थ मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन तू मेरे को अलग से टेलीग्राम में पूछ लेना, हाँ मैं टेलीग्राम में तेरे साथ डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन सबको समझ में आ चुके हैं, कोई तेरे को दिक्कत है टेलीग्राम में मेरे से डिस्कस कर लेना, डन। क्योंकि मेरे को उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, वापस याद करना पड़ेगा क्वेश्चन। आ जाइए फाइनली चैप्टर का लास्ट काम, चैप्टर का लास्ट काम। सारे बच्चे अब अपनी बुक्स में से एक और बुक निकालेंगे जो आज पहली बार आप यूज करेंगे, समरी मैट। समरी मैट सारे बच्चे निकाल ले। आपको समरी मैट कैसी दिखेगी मैं बताऊं? आपको समरी मैट कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी एक समरी मैट। किसी को स्पाइरल मिलेगी, किसी को बिना स्पाइरल भी मिल सकती है, उसके लिए झगड़ा मत करना रे, ठीक है। ये ऐसा आपको दिखेगा समरी मैट। सारे बच्चे समरी मैट निकाल लीजिए फटाफट। ये मेरे क्वेश्चन का, ये मेरे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट में तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर चैप्टर में, डन। आ जाओ सब लोग इंश्योरेंस क्लेम में। नहीं शिवम स्टे अहेड को नहीं मिला है, आप एक बार यहां से देख लो, जब आपको मिले तो आप वापस कर लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको अलग से वापस दे दूंगा। इंश्योरेंस क्लेम, सबसे पहला जो आपको टेबल दिख रहा है, टेबल उसमें आपको क्या दिया हुआ है वो समझ लो। किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, डन है बात मेरा। इस चैप्टर से चार टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टे अहेड वाले बच्चे साहिल शिवम ध्यान से सुनिए ना, इतना तड़पते क्यों हो, ध्यान से सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूं। लिखने का चैट में कुछ जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मैंने स्टे अहेड वालों को नहीं दिया है, ठीक है, बात सुनना। टोटल चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विदाउट स्लो मूविंग आइटम्स, विदाउट स्लो मूविंग आइटम्स, जहां पे स्लो मूविंग एबनॉर्मल आइटम्स नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन जिसको बोलते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 5 to 10 मार्क तक का आएगा, 10 मार्क आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी विथ स्लो मूविंग आइटम, विथ स्लो मूविंग आइटम्स, एबनॉर्मल गुड्स के साथ वाला क्वेश्चन। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लेम, ये 10 मार्क का क्वेश्चन। और लास्ट, कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ये जो आज हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन 24-25। मेनली चार टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ना, अगर चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है आप ये चारों टाइप के क्वेश्चन, चारों टाइप के क्वेश्चन बना रहे हो। सारा नहीं, एक से दो क्वेश्चन, हर टाइप का एक से दो क्वेश्चन, ठीक है बात। तो आपको एक चैप्टर में कितने सम बार बार प्रैक्टिस करने हैं वो आपको ये चार पॉइंट्स हेल्प करेगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चंस का मतलब है मेरी बुक के कौन से क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, मेरे को लगते हैं, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेप्लिकेट हो सकता है एग्जाम्स में। एग्जाम में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन देखने मिल सकता है, तो आपको इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मतलब जब आप घर में अब इंश्योरेंस क्लेम बनाओगे, कभी प्रैक्टिस करोगे रिविजन करने के बाद, आप इन क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। और लास्ट मैंने बनाया है मस्ट सी। ये मस्ट सी जो कॉलम है, टू बी फिल्ड इन बाय यू, टू बी फिल्ड इन बाय यू, ये तुमको फिल इन करना है। तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया वो क्वेश्चन कर रहे हो, करते करते तुम देखे यार मेरा ये चार पांच क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं। अटक इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है या तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है, वापस देख लो, कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है बट मेरे को करने में थोड़ा नॉर्मली प्रॉब्लम हो रहा है। आपको इस कॉलम में उनको लिख लेना है ताकि बिफोर द डे ऑफ एग्जाम आप उस क्वेश्चन को पक्का देख कर जाओ, और वो अगर एग्जाम में आ गया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सको, आपको डर ना लगे पेपर देखकर। ये वाला जो मैंने ऑलरेडी फिल इन कर दिया, आप लोग सारे बच्चे फिल करोगे अपनी अपनी समरी मैट में, सारे बच्चे। स्टे अहेड वाले बच्चे आप लोग आराम से देखो, ये बुक आपको भी मिलेगी, ठीक है ना। अभी क्या होता है,
कि अगर मैं सब कुछ आपको दे दूं और उसके बाद फिर अगर कोई कारण से आपका नहीं निकलता है, मैंने फीस भी तो वैसे ही ली है आपसे, तो क्या होता है वो सारी बुक्स वेस्ट हो जाती है। डन है मेरा बात? तो इसके लिए आपको उतनी ही बुक्स दी जाती है जो आपको पढ़ने में काम में आए, जो आपको पढ़ने में काम में आए। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, अगर आपको लगे आपको अभी के अभी जरूरत है आप निकाल सकते हो, अदरवाइज ये छोटा सा वीडियो कभी भी देख के फिल इन कर लेना। ठीक है, बात हो गया। अब लास्ट पांच टर्म में, लास्ट पांच टर्म में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन कितना मार्क का आया है इस चैप्टर से, वो आपको दिया हुआ है। और आप देखो हर टर्म में, हर टर्म में मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, नवंबर 20 का दोनों साइकिल, साइकिल वन साइकिल टू, दोनों में ये 10 मार्क का आया था। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जो आपको हर पेपर में 10 मार्क का दिखाई देगा, यानी ये चैप्टर बन जाता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला। और ईजी तो ये चैप्टर है ही है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन ईजिली बना लिए, अच्छे से बना लिए, तो ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको कभी छोड़ के नहीं जाना। इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना कि 10 में 10 उठाना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और क्या टाइप के क्वेश्चन आए थे मैंने वो भी आपको लिख दिए, जो मैंने ऊपर चार टाइप लिखा है ना, इन चार टाइप में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आया था वो भी मैंने नीचे लिख दिया। तो आप हमेशा देख सकते हो कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट करके सब जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में खोया हुआ एक भी मार्क्स यहां चुभेगा यहां। ठीक है बात? पास्ट एग्जाम का एनालिसिस का मैंने आपको चार्ट दे दिया है, वो आपको ऊपर से देख के भी समझ में आता है। मैंने डायग्राम में इसलिए डाला क्योंकि बहुत बच्चे डायग्राम को रेफर करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। ये एक पेज छोड़ा है सेल्फ नोट के लिए, अगर आपको लगता है आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप यहां पर लिख लेना इस पेज में। अब आ जाओ, हम लोग फटाफट समरी करेंगे, फटाफट, नो टाइम वेस्टिंग, फटाफट समरी करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, कवरेज ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया? इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड द कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड क्लेम, लॉस एंड क्लेम इन इवेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर इन बिजनेस प्रीमाइसेस। दो चीज, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, हमने दो दो टाइप का पॉलिसी में लॉस और क्लेम कैलकुलेट करना सीखा। सर जिसमें स्टॉक और प्रॉफिट दोनों का क्लेम निकलता है वैसे नहीं आते? यश, मैंने बोला था वो क्वेश्चन 15 मार्क टाइप के हैं, तो वो नॉर्मली देता नहीं है एग्जाम में, ये लोग 10 मार्क तक का ही क्वेश्चन देता है, तो आज तक वो आया नहीं है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं आ नहीं सकता, जिस दिन पेपर टफ करना होगा वो लोग 10 मार्क दे के वैसा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, ताकि तुमको थोड़ा सा टाइट कर दे पेपर को और तुमको टाइम कंज्यूमिंग पेपर लगे, तो हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, अभी तक आया नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम। अब सारे बच्चे आ जाओ इधर, थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल हम लोगों को रिवाइज करके लिखना है। रिवाइज ऐसे करो कि ये चैप्टर वापस पूरा याद आ जाए, आठ क्लास हो गया, आठ क्लास को 15 मिनट दे के रिवाइज करना है। रिलेशन बिटवीन लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम, क्या क्या रिलेशन है? पहला, क्लेम कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस, क्लेम कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस, क्लेम कैन नॉट एक्सीड पॉलिसी अमाउंट, क्लेम कैन नॉट एक्सीड पॉलिसी अमाउंट, ये दो रिलेशन सीखा था। तो मेरे बच्चे फाइनल निष्कर्ष बताना, फाइनल निष्कर्ष, और आप लिखोगे बुक में इसको, आप लिखोगे मैक्सिमम क्लेम इज इक्वल टू, मैक्सिमम क्लेम इज इक्वल टू, बोल क्या था, बोल क्या था, लॉस और पॉलिसी वैल्यू, लॉस और पॉलिसी वैल्यू, लॉस और पॉलिसी वैल्यू, विच एवर इज लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये हमने सीखा था। जो सीखा था वो मैं हाथ से लिखा रहा हूं ताकि तुमको हमेशा के लिए याद हो जाए, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। डन, एकदम सिंपल, ये समराइज कर रहे हैं हम लोग चीजों को। आगे, इफ एसेट इज अंडर इंश्योर्ड, अगर एसेट अंडर इंश्योर्ड है, then at the time of computation of claim average clause shall be applicable, अगर under insured है तो average clause apply हो जाएगा। ठीक है, average clause के case में claim का value कैसे calculate करते थे, formula याद करो, loss into policy value, loss into policy value divided by, बोल divided by क्या था, asset value, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई एसेट वैल्यू। अब खाली फॉर्मूला देखते ही तुमको सब याद आ जाएगा, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई एसेट वैल्यू।
इसको बोलते हैं समरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद के हाथ से लिख लेना और जो पॉइंट्स लेस इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो और तुमको सब याद भी आ जाए। आगे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमने पढ़ा कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर व्हेन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर स्टॉक ऑफ द बिजनेस। हम लोग क्लेम कंप्यूट करना सीख रहे हैं अगर बिजनेस में आग लग जाए और हमारा स्टॉक जल जाए तब। Following steps shall be followed. सबसे पहला step, computation of value of physical stock. Very, very, very important. Value of physical stock in godown on the date of fire. इसके लिए पता है हम लोगों ने क्या बनाया था? Memorandum trading account. आप लोग लिखेंगे मेरे साथ for period. Period कब से कब तक? From beginning till date of fire. अच्छे से लिखेंगे आप, लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो फ्रॉम बिगिनिंग टिल डेट ऑफ फायर। कैसे बनाए थे बताओ? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा, ऑलरेडी प्रोवाइडेड। परचेज क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा, सेल्स क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। सेल्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेल्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बोलो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर देता है। अगर परसेंटेज डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक निकल गया बैलेंसिंग फिगर। एग्जाम से एक महीने पहले, एग्जाम के एक दिन पहले जब पूरा चैप्टर रिवाइज करना होता है, इट इज नेवर पॉसिबल टू ओपन कॉपीज एंड बुक्स एंड डू इट। इट यू ऑलवेज रिक्वायर 5, 10, 7 पेजेस जहां से पूरा चैप्टर एक बार में आप गो थ्रू कर सको। इसीलिए मैं ये समरीज आपको बनवा रहा हूं, इसीलिए मैंने इस टर्म में ये समरी मैट आपको दी है। डन, आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉस, लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे बताओ? Value of stock in godown, जितना godown में stock था जो आपने ऊपर calculate किया, plus firefighting expenses minus salvage value. ये loss निकल गया। Salvage value में एक चीज सिखाया था, Not to be deducted. If insurance company takes over salvage stock. एक क्वेश्चन में हमने किया भी था, आप उस क्वेश्चन का रेफरेंस यहां पर दे सकते हो जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी ले जाए तो फिर उस केस में आपको सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं करना। थर्ड स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम, क्लेम का कंप्यूटेशन। अगर फुल या ओवर इंश्योरेंस है तो क्लेम हो जाएगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो क्लेम हो जाएगा इन केस ऑफ एवरेज क्लॉस, क्लेम हो जाएगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू। यहां पे टू चेक अंडर इंश्योरेंस कंपेयर, बोलो किससे किसको? पॉलिसी वैल्यू विथ स्टॉक वैल्यू, कंपेयर पॉलिसी वैल्यू विथ स्टॉक वैल्यू।
अगर पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू ए स्टॉक वैल्यू तो फुल इंश्योर्ड, अगर पॉलिसी वैल्यू लेस देन स्टॉक वैल्यू है तो अंडर इंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड। अगर क्वेश्चन बोल दे नो एवरेज क्लॉज तो हम लोग फिर यही यूज करेंगे, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या सबको? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग आठ क्लास यही किए हैं। टू चेक अंडर इंश्योरेंस कंपेयर पॉलिसी वैल्यू विथ स्टॉक वैल्यू, अगर पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है फुल इंश्योरेंस, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, पॉलिसी वैल्यू कम है अंडर इंश्योरेंस, लॉस इन टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू। डन, आगे चलता हूं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रिपेयर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट जीपी रेशियो, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ एंड जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लो। यहां जीपी रेशियो या जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, ये जीपी मार्जिन का फॉर्मूला हो जाएगा, जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। ओके, एक बार ऊपर जाऊं, ये लो, जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। फास्ट लिखने का फास्ट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहली बार जब करोगे आज के बाद इंश्योरेंस क्लेम पूरी कॉपी पढ़ना, सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स अगर तुमको लगता है समरी में कुछ और ऐड करना है, फाइनली ऐड करके सिर्फ समरी से आपको रिवाइज करना है, बार बार कॉपी नहीं पढ़ना, आदत बन जाएगा ना समरी से रिवाइज करने का, तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। आगे चलूं अदिति? आगे चलूं? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, फॉलोइंग एडजस्टमेंट शैल बी टेकन केयर ऑफ, कुछ एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ एडजस्टमेंट का। पहले, गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड बट नॉट अकाउंटेड फॉर, हमने गुड्स परचेज कर लिया, रिसीव कर लिया बट अकाउंट फॉर नहीं किया, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते समय हमें परचेज में एड करना होगा, एड विथ परचेजेस, एड विथ परचेजेस, एड कर देना इसको। नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड एंड अकाउंटेड, परचेज कर लिया, अकाउंट फॉर कर दिया बट अभी तक मिला ही नहीं, जब तक आग लगा तब तक ये गुड्स आया ही नहीं बट मैंने अकाउंट फॉर कर दिया, तो डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। हम लोगों को निकालना है गोडाउन में कितना स्टॉक था फिजिकली, तो हम लोग फिजिकल स्टॉक के बारे में सोचेंगे। गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, मैंने बेच दिया माल चला भी गया मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो एड विथ सेल्स, सेल्स में एड कर दो, ये भी सेल्स हो गया, गुड्स को एड कर दो सेल्स। सेल्स रिकॉर्डेड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड टिल द डेट ऑफ फायर, हमने सेल्स लिख लिया बट गुड्स डिलीवर ही नहीं हुआ, अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुआ मतलब सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ, सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ तो डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। ये एडजस्टमेंट्स हमने क्वेश्चंस में किए थे, आप चाहो तो यहां क्वेश्चन नंबर लिख लेना सो दैट आप ये पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन में जाओ और आप रिवाइज कर सको, थोरो रिविजन हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, गुड सेंट ऑन अप्रूवल नॉट येट अप्रूव्ड, सेंट किया है बट अभी तक अप्रूव नहीं किया है, दो ट्रीटमेंट सिखाया था, दो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट वन क्या था बता? इग्नोर एज दे आर एडेड टू सेल्स, दे आर एडेड टू सेल्स, एज दे आर एडेड टू सेल्स दे वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दे वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक, दे वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक, ऑलरेडी सेल्स में एडेड है इग्नोर कर दो इसको। ट्रीटमेंट टू,
शालिनी बोल रही है सर इसमें एड टू क्लोजिंग स्टॉक भी होगा ना? ना दीदी, आप जैसे ही सेल से हटाओगे, सेल्स कम होते ही आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बढ़ जाएगा, आपको ऐड नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। ट्रीटमेंट टू क्या था? डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स वैल्यू, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स वैल्यू, क्योंकि अभी तक अप्रूव नहीं किया है तो सेल हुआ नहीं है, तो सेल से लेस कर दो। एंड शोन ऑन क्रेडिट साइड, शोन ऑन क्रेडिट साइड एट कॉस्ट, क्या लिखोगे? गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर, ये गुड्स है कस्टमर के पास, तो ये क्लोजिंग स्टॉक से अलग दिख जाएगा और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो गोडाउन में पड़ा है। शालिनी क्लियर है क्या? जब आप सेल्स से लेस करोगे, सेल्स कम हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर में आपको कुछ ऐड नहीं करना, वो अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, स्लो मूविंग आइटम्स और एबनॉर्मल आइटम्स, हमने क्या सीखा इसमें? दीज आइटम्स यूजुअली कैनॉट यील्ड सेम जीपी मार्जिन एज नॉर्मल गुड्स, सेम जीपी मार्जिन एज नॉर्मल गुड्स। झिलमिल, सेल्स कम करते ही सेल्स के ऊपर जब जीपी कैलकुलेट करोगे, जीपी भी इफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं सेल्स कम कर दो, सेल्स कम करते ही परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे, जीपी भी कम हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, ये अपने आप होगा। आप लोग क्या बोल रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मुझे जीपी करेक्ट निकालने का कोई इच्छा नहीं है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक सही निकालना है जो उस दिन गोडाउन में था, अगर मैं बोल रहा हूं अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं अभी तक सेल्स हुआ नहीं है, गुड्स मेरे यहीं पड़ा था, तो मैंने सेल्स से लेस किया, सेल्स कम होने से जीपी कम हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक सही निकल जाएगा। मैं क्लोजिंग स्टॉक पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, मैं जीपी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग ये गलत सोच रहे हैं। स्लो मूविंग आइटम, दीज आइटम यूजुअली कैनॉट यील्ड सेम जीपी मार्जिन एज नॉर्मल गुड्स। अब करना क्या है? ट्रीटमेंट। व्हाइल प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर्स ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट जीपी मार्जिन While preparing last year's trading account to calculate GP margin, consider only normal goods. मतलब इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स शैल बी एलिमिनेटेड, उसको एलिमिनेट कर देना, शैल बी एलिमिनेटेड, इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स शैल बी एलिमिनेटेड। नंबर बी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड कॉलम वाइज, दो कॉलम बनेगा, नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स। और एक चीज मैंने आपको बोला था ध्यान रखने, एबनॉर्मल गुड्स कॉलम शैल बी मेड एट कॉस्ट, एबनॉर्मल गुड्स का कॉलम शैल बी मेड एट कॉस्ट।
झिलमिल और ईशिका एक ही गलती कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो सेल्स का प्रॉफिट दिखाओ वापस। हम लोग अभी फिजिकल गुड्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कितना मेरे पास उस दिन गोडाउन में गुड्स था, मेरे को ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है, मेरे को गोडाउन में कितना गुड्स था वो चेक करना है। तो प्लीज आप लोग उस कॉन्सेप्ट को हटाइए, आपकी इंफॉर्मेशनल नीड है गोडाउन में कितना गुड्स है वो कैलकुलेट करना, बट आप जोर दे रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करने पे, तो कभी आपका आंसर सही नहीं आएगा। एबनॉर्मल गुड्स हमेशा कॉस्ट पर बनाना, हमेशा कॉस्ट पर बनाना, कॉस्ट पर बनाओगे तो सिंपली निकल जाएगा, ये कॉस्ट था आधा बिक गया बैलेंस बच गया, ये कॉस्ट था इतना बिक गया इतना बैलेंस बच गया, फिर जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से लॉस कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है यहां तक? तो हमने जितने पॉइंट्स पढ़े सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके कवर कर लिए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी है। आफ्टर ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स लाइक फायर द बिजनेस एक्टिविटी गेट्स डिस्टर्ब फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जिसको हम लोग डिसलोकेशन पीरियड बोलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर्स द फॉलोइंग लॉसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, दो चीज कवर करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, नंबर टू एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड, दो चीज कवर करता है, लॉस ऑफ शॉर्ट सेल्स एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंटिन्यू बिजनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैंने अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल किया तो जब मैं सेल से लेस करूंगा सेलिंग प्राइस, बट जब मैं दिखाऊंगा कि कितना गुड्स कस्टमर के पास है वो मेरे को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परचेज के अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो जब मैं दिखाऊंगा कितना गुड्स कस्टमर के पास है मैं हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू करूंगा। मेरे को उस सेल्स पर जीपी निकालना ही नहीं, मैंने सेल से माइनस ही इसलिए किया, क्यों किया सेल से माइनस, मैंने इसलिए सेल से माइनस किया क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि वो सेल्स हुआ ही नहीं तो आपने सेल्स में ऐड क्यों किया। आप लोगों ने बोला, मैंने तो दो ट्रीटमेंट लिखा है, पहला बोला इग्नोर, माल बिक गया मान लिए ना तो वो अब गोडाउन में नहीं है, दूसरा मैंने आपको बोला कि अगर आप बोलते हो नहीं सर सेल्स ज्यादा दिख रहा है सर सेल्स कम करो हमको सही जीपी चाहिए, तभी मैंने बोला सेल्स से लेस कर दो, एक्चुअल सेल्स आ गया एक्चुअल जीपी आ गया, अब वो जो गुड्स कस्टमर के पास है उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, ये आपकी जिद थी इसीलिए मैंने किया, मैंने मना भी किया था नहीं करोगे तो भी चलेगा। आगे प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड क्लेम, प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड क्लेम कितना स्टेप था, कितना स्टेप था, चार स्टेप था। पहला स्टेप जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, मेरे साथ बच्चे अच्छे से लिखना याद करते करते, शॉर्ट सेल्स, अब मैं लॉजिक नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, सबसे पहला आ गया स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, सेल्स में कभी कॉस्ट पर ऐड नहीं हो सकता जिलमिल, ये आपका रॉन्ग नोशन है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सेल्स में कोई चीज ऐड होगा तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहेगा, वो सेलिंग प्राइस पे है इसीलिए उसके ऊपर जीपी अलग से निकलता है। स्टैंडर्ड टर्नओवर ये किस पीरियड का है, पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड, पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड, ये लास्ट ईयर का, प्लस और माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, ट्रेंड एडजस्टमेंट, ये निकल गया एस्टीमेटेड सेल्स, ये निकल गया एस्टीमेटेड सेल्स डिसलोकेशन पीरियड का, लेस लेस एक्चुअल टर्नओवर फॉर डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअल टर्नओवर फॉर डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअल टर्नओवर फॉर डिसलोकेशन पीरियड, ये निकल गया शॉर्ट सेल्स,
शॉर्ट सेल्स। नंबर बी, जीपी मार्जिन कैसे निकालते थे बताओ। जीपी मार्जिन लास्ट ईयर का पहले निकलता था, फिर करंट ईयर में अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसको ले लेते थे। नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इनटू 100 नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब मेरे को बताओ जीपी मार्जिन फिर करंट ईयर का कैसे निकलेगा। करंट ईयर ये निकलेगा लास्ट ईयर्स मार्जिन प्लस और माइनस एनी इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन बताएगा आपको, क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएगा कोई इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेक्टेड है क्या करंट ईयर में। ये करंट ईयर का जीपी निकल जाएगा। तो मेरे को बता जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कैसे निकालोगे। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स सर, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी मार्जिन करंट ईयर, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी मार्जिन करंट ईयर। सर अगर मान लीजिए करंट ईयर में कोई चेंज नहीं बताया तो वही लास्ट ईयर वाला जीपी मार्जिन ले लेना, लास्ट ईयर वाला जीपी मार्जिन ले लेना। याद आ रहा है सारा बात। ये जो हमने आठ क्लास पढ़ा ये उसका सार है। सार अलग से लिखने से क्या होता है, बार 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 वो 60-70 पेज कॉपी के नहीं घुमाने पड़ते। आगे चलता हूं, स्पीड रखो थोड़ा, फास्ट लिखो थोड़ा। आगे एडिशनल एक्सपेंडिचर एडमिसिबल, एडिशनल एक्सपेंडिचर एडमिसिबल बोलो क्या था। लोअर ऑफ द थ्री, लोअर ऑफ द थ्री। नंबर ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। नंबर बी जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। एडिशनल सेल्स में एक बात बोली थी, If additional sales not given, if additional sales not given, अलग से ना बताए, not given, then, if additional sales not given, then take full sales for dislocation period, then take full sales for dislocation period. Then take full sales for dislocation period. हाँ FM के लिए भी मिला होगा आपको एक day before exam book, cost के लिए भी मिलेगा आपको। If additional sales not given, then take full sales for dislocation period. Number C, proportionate expenditure, proportionate expenditure. बोलो एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। राजन इस मैट में, ये मैट क्या है ना, ये जिस पेपर से बनी हुई है वो पेपर ड्यूरेबल पेपर होता है। इस मैट के लिए आप जो
सीडी राइटर पेन होता है ना, सीडी राइटर पेन वो यूज कर सकते हैं, वो फैलेगा नहीं आपका। चलिए अब जीपी ऑन ऑटो, नोट जीपी ऑन ऑटो आ जाओ। ऑटो होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ये कैसे निकलेगा? एनुअल टर्नओवर मतलब टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रसीडिंग फायर, इमीडिएटली प्रसीडिंग डेट ऑफ फायर, ये हो गया एनुअल टर्नओवर। प्लस या माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, प्लस या माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, प्लस या माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, तो निकल जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो निकल जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और जीपी ऑन ऑटो इज नथिंग बट ऑटो मल्टीप्लाइड बाय जीपी मार्जिन। ठीक है, एक नोट जो याद रखना है, ट्रेंड शैल बी एडजस्टेड ओनली ऑन दैट पार्ट ऑफ एनुअल टर्नओवर विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। ठीक है, इफ सेग्रीगेशन नॉट पॉसिबल देन एडजस्ट ट्रेंड ऑन फुल एनुअल टर्नओवर। मैंने कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि अविनाश सर जब पढ़ाते हैं बहुत स्लो चलते हैं और बहुत टाइम लेते हैं पढ़ाने में। मैं ये नहीं बोलता हूं वो बच्चे गलत है, वो बच्चे बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम कहां है मेरे को पता है क्या लगता है? अगर मैं फास्ट चलने लग जाऊंगा तो आप पीछे छूट जाएंगे। जिस दिन मैं क्लास में 2 की जगह 3 सम करवा दूंगा, आप देखोगे लगेगा आपको अविनाश भैया भाग रहे, हड़बड़ी कर रहे हैं। एंड देयर इज नो आइडियल टाइम, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 घंटा पढ़ाना आइडियल है कि 2.5 घंटा पढ़ाना आइडियल है। इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट एंड नॉट ओनली ऑन द टीचर। ये जो टाइम लग रहा है ये समरी मैट में लिखने में, ये टाइम आज लग रहा है, बट ट्रस्ट मी जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम रिवीजन करने बैठोगे, यू विल रिमेंबर कि यार उस समय जो टाइम दिया था वो अभी बहुत काम आ रहा है और मेरे को ये सब कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। डिवोट दिस टाइम, जो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स है, गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स है, डिवोट दिस टाइम। आगे चलता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। सबसे पहले जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, आपका निकल जाएगा नेट लॉस, आपका निकल जाएगा नेट लॉस। डन, याद भी हो जाएगा और याद हमेशा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, सिर्फ क्लास में याद होने से नहीं होता, याद हमेशा रहे और वो आप अप्लाई कर सके। मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप चैप्टर में एप्लीकेशन खुद से कर सकेंगे। डन, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम सबसे पहले कंपेयर पॉलिसी वैल्यू विद जीपी ऑन ऑटो फॉर एवरेज क्लॉस
फॉर एवरेज क्लॉज. नंबर टू, इफ जीपी ऑन ऑटो, या ऐसे लिखता हूं ना एक ही सामने, इफ पॉलिसी वैल्यू लेस देन जीपी ऑन ऑटो, पॉलिसी वैल्यू कम है, अप्लाई एवरेज क्लॉज. अप्लाई एवरेज क्लॉज, पॉलिसी वैल्यू लेस देन जीपी ऑन ऑटो, अप्लाई एवरेज क्लॉज. क्लेम कैसे निकलेगा? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो. इफ पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन जीपी ऑन ऑटो, इफ पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन जीपी ऑन ऑटो, देन फुल लॉस या क्लेम इक्वल टू लॉस दिख लेता हूं. क्लेम इक्वल्स टू लॉस, जितना नुकसान हुआ पूरा क्लेम मिल जाएगा, जितना नुकसान हुआ पूरा क्लेम मिल जाएगा. और अगर एवरेज क्लॉज है ही नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 30, इफ नो एवरेज क्लॉज तो भी पूरा लॉस मिल जाएगा. लास्ट, कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू शैल कवर, शैल कवर, बोलो क्या? नंबर वन, जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स. हर्ष, हर्ष, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में मैंने आपको बोला ना, जो लॉस होगा वो लॉस 3 महीने 6 महीने का है, जबकि पॉलिसी वैल्यू पूरे साल भर के हिसाब से लेते हैं, तो वो कभी लॉस और पॉलिसी वैल्यू विचएवर इज लोअर का नौबत ही नहीं आएगा. आपको हमेशा दिखेगा लॉस पॉलिसी वैल्यू से लोअर ही है. डन, आप लिख लो भला, ये आपको कभी दिखेगा नहीं. वो जीपी ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर, ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर, इसको कवर कराना है. नंबर टू, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इनकर्ड टू अचीव दैट सेल्स. एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इनकर्ड टू अचीव दैट सेल्स. जीपी का फॉर्मूला वही होगा, एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. क्वेश्चन 24-25 एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 11, तीन क्वेश्चन किया था हमने इस पर आज. कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ये समरी. प्लीज 2 मिनट अपने आप को टाइम दो एंड एक बार शुरू से लास्ट तक गो थ्रू करो. अगर तुमको लगे कुछ कमी है, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना. आज घर पे बैठकर इसको एक बार रीड करना. अगर तुमको लगे सब कुछ कवर्ड हो गया, हर सम बन जाएगा, वेरी गुड. अगर लगे कुछ बाकी है, डू इनकॉर्पोरेट. आपके लिए जो आपको लगता है इनकॉर्पोरेट होना चाहिए वो आप कर लेना. ओके, राजन एक बहुत अच्छा बात बोला, सर कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड लिखवा दो. 1 मिनट लगेगा, लिखवा देता हूं. यहां तक हो गया होगा सबका? कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड लिखवा देता हूं. दिव्या का ये छुटा हुआ था, दिव्या फटाफट लिख लो. ट्रेंड का कैलकुलेशन क्या था? पहला क्वेश्चन दे सकता है, दूसरा
ईयर टू ईयर डेटा दे दे तो ईयर ऑन ईयर डेटा करके एवरेज निकाल लेना। तीसरा, हो सकता है आग से पहले का या डिसलोकेशन के बाद के पीरियड का कंपेरेबल डेटा दो, जहां कंपेरेबल डेटा मिले उस कंपेरेबल डेटा से ट्रेंड निकल जाएगा। दिव्या, लिख लिया क्या आपने? एक बार मेरे साथ यहां पर ट्रेंड लिखो, ट्रेंड के बारे में। आपके पास जगह होगा यहां पे, जैसे मेरे पास जगह है दो तीन लाइन का। ट्रेंड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई कंपैरिजन, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई कंपैरिजन ऑफ सेल्स, कंपैरिजन ऑफ सेल्स आइदर ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, आइदर ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। प्लीज, जिस साल आग लगा उसको मत देखना, वहां तो डिसलोकेशन है, वहां सेल्स तो अच्छे से हुआ ही नहीं। पास्ट फ्यू ईयर्स और फॉर पीरियड बिफोर डेट ऑफ फायर, बिफोर डेट ऑफ फायर इन करेंट ईयर एंड लास्ट ईयर, इन करेंट ईयर एंड लास्ट ईयर, इन करेंट ईयर एंड लास्ट ईयर। इसका क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन 26 और एडिशनल का भी क्वेश्चन नंबर 9 शायद किया था। इसका हमने क्वेश्चन नंबर किया था 30 और क्वेश्चन 28 शायद, 29, क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन 30। ट्वेंटी सेवन। फिर ट्रेंड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर सेल्स इनटू 100, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर सेल्स इनटू 100। अगर एक से ज्यादा साल का दिया हो एवरेज कर लेना। बिनीत, आफ्टर डिसलोकेशन पीरियड, हाँ पूरा डिसलोकेशन पीरियड के बाद का है तब, आफ्टर डेट ऑफ फायर मत बोलना। आफ्टर डिसलोकेशन पीरियड के बाद का भी अगर दिया हुआ है तो कंपेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। हमने वैसा क्वेश्चन देखा ही नहीं, वैसा क्वेश्चन देता ही नहीं है। डेट बिफोर डेट ऑफ फायर वाला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्लियर है क्या? ये हमारा समरी कंप्लीट होता है, ये हमारा समरी कंप्लीट होता है इंश्योरेंस क्लेम का। थैंक यू विनीत। समरी कंप्लीट होता है इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का। आप चाहो तो 2-5 मिनट रीड कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, जैसे राजन ने मेरे को ट्रेंड का बताया, जरूर बोल दे, मैं करवा दूंगा। डन यहां तक। अब इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर फुल फ्लेजेड कंप्लीट होता है।
पढ़ा समझा क्वेश्चन किए समराइज किया, पढ़ा समझा क्वेश्चन किए समराइज किया, चारों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। कल से इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऐप पे आने शुरू होंगे, तो उसके लिए गियर अप कीजिएगा। रोज रोज क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा, एक लेवल के बाद आपको चैप्टर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यश, रियल लाइफ में पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड सेट कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पार्टी मिलके पहले से ही, कि कंसीडरिंग हम लोगों का जो बिजनेस ग्रो कर रहा है 10% हम एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स इंक्रीज करेगा, तो वो पॉलिसी के अंदर ही हो जाता है। तो नया चैप्टर आप लोग क्या बोलते हो, आज की कल? मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, जैसा मैंने हमेशा कहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जाओ एंजॉय। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर। हाँ, बहुत बढ़िया चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस का, उसमें बहुत कुछ सीखने का है। कल मिलते हैं, टाटा।